नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के नदियों के इस तंत्र के वीडियोस में आज हम आपके सामने लेके आए हैं मध्य उत्तराखंड के अंदर बहने वाली कुछ नदियों के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड 360 के इस YouTube चैनल पर, और ये वीडियोस आप हमारे एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के मध्य क्षेत्र जो है, जहाँ पर आपको मालूम है उत्तराखंड का पामीर कहलाता है, दूधातोली, क्योंकि उत्तराखंड के बीच का रीजन लघु हिमालय से निर्मित है। हम अगले वीडियोस में ज़रूर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के निर्माण में कहाँ लघु हिमालय है, कहाँ ट्रांस हिमालय है, कहाँ बृहत हिमालय है, कहाँ ऊंची चोटियाँ हैं, कहाँ पर आबादी है, कहाँ पर नहीं है। लेकिन ये मिडिल बीच का जो क्षेत्र है, ये बड़ा पठारी क्षेत्र है, यानी कि इसी वजह से इसको उत्तराखंड की छत या उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं, दूधातोली प्रिंज। ये ठीक उत्तराखंड के बीच में है। इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो पौड़ी में थलीसैंण से, ये थलीसैंण नाम की जगह है, थलीसैंण से चमोली जिले में इधर गैरसैंण तक है। मजेदार बात तो यह है कि इस रीजन से उत्तराखंड की पांच प्रमुख नदियां निकलती हैं। आज हम उन पांच नदियों के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि दूधातोली, जिसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, इस क्षेत्र से कौन सी वो पांच नदियां हैं जो प्रभावित होती हैं। सबसे पहले हमने उत्तराखंड के ठीक उन जिलों को यहां पर दिखाया है जहां से ये नदी बहकर साउथ की तरफ जाएंगी, जो ये नदियां यहां से निकलती हैं। चर्चा करते हैं, इनमें सबसे प्रमुख नदी है जो ठीक, देखिए आप, अल्मोड़ा के उत्तर में यहां से निकलती है, यानी कि दूधातोली के ठीक दाहिनी तरफ से, यानी कि हम कहेंगे पूर्वी दिशा से, बिल्कुल कॉर्नर से। ये सबसे मुख्य नदी है दूधातोली की, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी रामगंगा। इससे पहले वीडियो में हमने काली नदी में पूर्वी रामगंगा को पढ़ा था। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम स्थल दूधातोली ही माना जाता है। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के ठीक नॉर्थ में पड़ता है रीजन, क्योंकि दूधातोली रेंज देखिए आप तीन जिलों में है। ये चौखुटिया का और शालदे का रीजन है अल्मोड़ा का, ये थलीसैंण का रीजन है पौड़ी का, और गैरसैंण का रीजन है ये वाला इलाका जो चमोली का यहाँ पड़ता है। इन तीन जिलों में दूधातोली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार है। तो पश्चिमी रामगंगा यहाँ से नीचे उतरती है अल्मोड़ा की तरफ, यहाँ चौखुटिया इसके ठीक किनारे पर है। मैं आपको किनारे के शहर भी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ बताने में आसानी होगी, इतना कंजेस्टेड नहीं होगा। चौखुटिया के बाद एक और बड़ा प्रमुख शहर है यहाँ पर भिक्यासैन, रामगंगा के किनारे पर। और भिक्यासैन के बाद ये नदी चली जाती है मरचुला होते हुए गढ़वाल की तरफ। देखिए ये रामगंगा की बात कर रहे हैं, इसका उद्गम स्थल है दूधातोली पर्वतमाला चौखुटिया के ठीक नॉर्थ से, यानी चमोली जिले से। और उसके बाद ये गई पौड़ी में, पौड़ी में यहाँ एक डैम है जो बड़ा प्रसिद्ध है, कालागढ़ रामगंगा पर है। ऊपर आप देखेंगे तो इस रीजन में नैनीताल, अल्मोड़ा, और ये रीजन आप देखेंगे तो इस नदी का कॉर्बेट नेशनल पार्क का रीजन है, जिसका पुराना नाम ही रामगंगा नेशनल पार्क था। और कालागढ़ के बाद ये नदी चली जाती है यूपी में, और यूपी होते हुए ये इधर पहुंचती है मुरादाबाद, और मुरादाबाद के बाद ये कन्नौज में जाकर मिल जाती है गंगा नदी से। कहाँ पर जाकर? कन्नौज में जाकर। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण नदी दूधातोली की, जो है चौखुटिया रामगंगा नदी। इसकी एक सहायक नदी, क्योंकि पांचों नदियाँ यहीं से निकलती हैं, हम इन पांच नदियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूँ, जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं रामगंगा की, उनमें से एक नदी यहीं से निकलती है थोड़ा उत्तर से। उसके किनारे पर आपका देघाट और शालदे पड़ेगा। देघाट तो अलग हो जाता है, हालांकि शालदे बिल्कुल इसके किनारे पर है, शालदे से पड़ेगा। और ये थोड़ा आगे जाकर के एक जगह है बृद्ध केदार, जो मासी और आपके भिक्यासैन के बीच में पड़ता है बृद्ध केदार। यहाँ जगह नहीं बन पा रही, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ उसको, बृद्ध केदार। और ये बृद्ध केदार पड़ेगा आपका संगम पर। इस नदी का नाम है वीनो नदी, यानी विनोद नदी भी इसको बोलते हैं। शालदे इसी के किनारे पर है, वीनो नदी के संगम पर पड़ेगा बृद्ध केदार। अब हम रामगंगा के आगे के सफर की बात करते हैं। नैनीताल में पहाड़ पानी से एक नदी निकलती है जिसके किनारे पर है हल्द्वानी, गोला नदी। गोला नदी निकलती है जो आगे जाकर मिल जाती है कोसी में। कोसी नदी का उद्गम स्थल है कौशानी, बागेश्वर के। कोसी नदी के और सोयाल नदी के ठीक बीच में अल्मोड़ा है। ध्यान से देखिए, अल्मोड़ा इधर ही पड़ेगा आपका, नीचे की तरफ यह अल्मोड़ा पड़ेगा। कोसी नदी इसके बाद यहां से आते हुए रामनगर में, ये रामनगर है, रामनगर से होते हुए यूपी में चली जाती है, और गोला नदी इसमें
इसके कांटेक्ट में आ जाती है, और उसके बाद यही नदी रामगंगा में आगे जाकर मिल जाती है, और रामगंगा से मिलने के बाद कन्नौज में नदी गंगा में प्रवाहित हो जाती है। दो प्रमुख नदियां हैं, देखिए कोशी, कोशी का बहुत बड़ा विस्तार है, तकरीबन 150 किलोमीटर ये कुमाऊं के रीजन में फैलती है, क्योंकि कोशानी से आती है, पहाड़ पानी से निकलने वाली गोला नदी प्रमुख रामगंगा की सहायक नदियों में से है। एक दूधातोली से ही निकलने वाली वीनो नदी है, दूधातोली से एक और नदी निकलती है जो उत्तर दिशाओं को प्रभावित होती है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि दूधातोली में से कौन सी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण में ना प्रभावित होकर उत्तर की ओर जाती है, वो एक्चुअल में पिंडर नदी, यहीं बागेश्वर से एक नदी आती है पिंडर, जो कर्णप्रयाग में जाकर मिल जाती है अलकनंदा से। आटागाड़ नदी ऐसी नदी है जो उत्तर में जाकर पिंडर नदी की सहायक नदी है, पिंडर में जाके मिल जाती है, दूधातोली की रेंज से निकलती है आटागाड़ नदी। तो हम तीन नदियों का डिस्कस कर चुके हैं इसमें, रामगंगा, पश्चिमी नायक सॉरी रामगंगा, वीनो और आटागाड़। रामगंगा की एक और सहायक नदी है, इधर से देखिए यूपी के पौड़ी के इधर से आती है खो नदी। खो नदी का आपने नाम सुना होगा, जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं रास्ते में पड़ती है, और ये यूपी के पास में जाकर रामगंगा से ही मिल जाती है खो नदी। वैसे तो और भी नदी है, कोटद्वार के किनारे से भी एक नदी निकलती है, हम महत्वपूर्ण नदियों की बात कर रहे हैं। खो नदी जाकर के रामगंगा में मिल जाती है। रामगंगा काफ़ी प्रसिद्ध नदी भी है और बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली है, कन्नौज तक इसका विस्तार है, इसलिए हमने सबसे शुरू में डिस्कस किया सबसे महत्वपूर्ण नदी दूधातोली की। दो नदियाँ नयार के नाम से निकलती हैं दूधातोली से, एक पश्चिमी नयार और एक पूर्वी नयार। देखिए ये पश्चिमी नयार है, ये भी दूधातोली रीजन से निकलती है, चमोली के इस रीजन से निकलती है, और पौड़ी के इस रीजन से निकलती है पूर्वी नयार। दोनों नदियाँ दूधातोली रेंज से आती हैं और दोनों नदियाँ मिलती कहाँ पर हैं, सतपुली में। सतपुली के किनारे पर दोनों नदियों का संगम होता है और उसके बाद फूलचट्टी में जाकर ये नदी गंगा में मिल जाती है, यानी देवप्रयाग से आगे गंगा बन जाती थी, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। फूलचट्टी नाम की जगह पर ये नदी गंगा में मिल जाती है, वहाँ पर इसको नाद गंगा, नारद गंगा, नयार गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये दूधातोली के रेंज से निकलने वाली मध्य उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस की। इसके बाद हमारा एक वीडियो बनेगा यमुना नदी तंत्र पर, हम बात करेंगे उसके बाद उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों पर, बनावट पर। तब तक हम नदी तंत्र को पूरा कर रहे हैं, इसके बाद यमुना पर एक वीडियो बनेगा। हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर कि क्या आपको मध्य भारत उत्तराखंड की ये नदियाँ समझ में आई। इसमें हो सकता है कि मैप में मुझे जगह कम होने की वजह से इस नयार नदी को मैंने नीचे दिखाया है दूधातोली से, ये दूधातोली की रेंज में ही निकलती है, आप ये बात जान लीजिएगा। कंजेस्टेड होने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन इनकी नहीं है, सबको दूधातोली से ही उत्पन्न माना जाता है। ये जानते हुए भी कि रामगंगा के ठीक किनारे से यहाँ पर रामगंगा ठीक दूधातोली के पूर्वी ढाल से निकलती है, फिर भी हम इसको दूधातोली रेंज ही मानते हैं। आपको एक ऐसा वीडियो लगा हमें ज़रूर बताइएगा, धन्यवाद। उफ़।